वेलकम, मैं हूं पराग और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, शुभेंदु दास घोष और अमित। इन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसको लेकर एक सवालिया निशान उठना बहुत लाजमी हो जाता है कि क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है या वाकई एक क्रिएटिव लिबर्टी है या क्रिएटिव अर्ज है कि जिस पर इन्होंने ये फिल्म बनाई। मैं बात कर रहा हूँ, उनकी फिल्म का नाम है मैं मुलायम सिंह। तो मुलायम सिंह यादव की बायोपिक बनाने के लिए शुभेंदु दा मैदान में उतरे। आपने प्रोमोज और ट्रेलर यूट्यूब पे और इधर उधर है, आप देख सकते हैं, और आपको बड़ी हैरानी होगी कि आखिर ये कैसे हो पा रहा है। तो शुभेंदु दा, अमित, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुभेंदु दा। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा फिल्म है या एक क्रिएटिव अर्ज आपको हुआ था कि यार ये बहुत कमाल का है? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा का फिल्म नहीं है। मैंने जब पहले बार उनका एक स्टोरी देखा था, सुना था, तो मुझे देखने के बाद मैंने बहुत इम्प्रेस हुआ था कैसे करके एक किसान 1968 के टाइम पे, तो एक किसान का लड़का जो पढ़ाई लिखाई करता था, उस जमाने में बीएड कंप्लीट किया, कॉलेज में पढ़ा, जो एक फिल्म मेकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये हम एक स्टोरी को खोजे जिस स्टोरी में बहुत सारे कर्व्स हो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन हो, तो मुझे ये बहुत इम्प्रेस्ड किया था, इसीलिए मैंने ये स्टोरी बनाने के लिए हम लोग बात किए एंड हम टीम तैयार किए। एक पॉलिटिकल लीडर, वो भी उत्तर प्रदेश के मतलब पावरफुल लीडर, किस तरह से जब शुभेंदु दा आपके पास आए होंगे कैरेक्टर के लिए, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था क्योंकि मुलायम सिंह जी एक एक खुद पे एक नाम पे उनका एक वेट है, एक वजन पड़ता है मुलायम सिंह यादव के नाम पे। यूपी के 3 बार वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। थोड़ा टेंशन हो रहा था कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें कुश्ती भी है, पॉलिटिकल उनका उनका जो चलने फिरने का स्टाइल एक पॉलिटिशियंस का अलग एक लेवल होता है, तो काफी कुछ इसमें अप्स एंड डाउन वेरिएशन है। तो बट हाँ, दादा ने काफी, हम लोग ने फिर वर्कशॉप्स किए, होमवर्क काफी कुछ किया, and then we came in front of the camera, so acha raha, experience was good and was very excited. So as an actor, main agar ye kahun ki what was your preparation ki ek Amit jo hai wo Mulayam Singh mein jab tabdeel hue to kya kya wo process rahi, kis tarah se aapne adopt kiya, kya kya khasiyat batayenge is tarah? Ha, batunga. Sabse pehle to mujhe iske liye thoda Mulayam Singh ji jo pehlwan zarur the यूपी में, लेकिन अब जवानी में, लेकिन वो लीन थे, दुबले पतले थे, तो पहलवानी के बावजूद भी उनको भी मोटा हट्टे गट्टे या मसल फसल वाले कुछ नहीं थे, तो मुझे उसके लिए काफी वेट लूज करना पड़ा अपना, तो उस लीन लुक लाने के लिए, तो उसके लिए स्पेशल डाइट, जिम, स्पेशल ट्रेनिंग सब बहुत कुछ किया मैंने। और फिर जैसे कुछ दंगल का इसमें सीन है, क्योंकि वो कुश्ती लड़ते थे, रेसलर थे, तो दो ढाई महीने मैं रोहतक में उसकी कुश्ती की ट्रेनिंग ली मैंने इसके लिए अलग से। तो मूवी के दौरान भी काफी देख पाएंगे मैंने अपने लुक्स के, मतलब वेट को काफी अप थोड़ा डाउन, तो काफी वेरिएशन रहा है इस मूवी के प्रिपरेशन के लिए मेरा, लेकिन लाइफ में कुछ अलग सीखने को मिल गया, दंगल के जरिए कुश्ती सीखने को मिल गई, तो वो एक प्लस पॉइंट था और बड़ा मजा आया करने में। क्या बात। तो शुभेंदु दा, मुझे एक बात बताइए कि जब आपने ये सारा प्लान किया कि मुलायम सिंह यादव पर फिल्म बनाएंगे आप, तो क्या आपकी उनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई, क्या उनका रिएक्शन था? हम गए थे, हम लखनऊ गए थे, समाजवादी पार्टी ऑफिस में हम गए थे, और आम जनता जैसे करके लाइन में खड़ा होता है वैसे करके हम लोग खड़े भी हुए थे। ओके, धक्का भी लगा बहुत बार, तो अल्टीमेट उनका साथ मेरा मुलाकात हुआ था। मैंने उनको सामने बोला था, मैं आपको एक बायोपिक बनाना चाहता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ जो आपने क्या क्या काम किए थे, तो उन्होंने आशीर्वाद भी किए थे। उनका उम्र हो चुका था उस समय, थोड़ा तबीयत भी उनका खराब था, फिर भी वो पार्टी ऑफिस में थे। उसका बाद मैं अखिलेश जी का साथ भी बहुत बार मीटिंग किया मैंने, और हमारा बात भी हुआ, और धीरे 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 हम चीज को प्रोसेस करते गए और अल्टीमेट अभी ये सामने आ गए। अमित, एक मुलायम सिंह यादव का मतलब पूरा गेटअप लेने के बाद एक एक्टर के जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लाइन, थॉट प्रोसेस में क्या बदलाव आपको लगा? सफेद कुर्ता और वो ब्लैक जैकेट मेरे पे पड़ता था अपने शूटिंग के टाइम पे, तो वैसे तो मुलायम सिंह जी के संग मेरी पर्सनली मुलाकात नहीं हो पाई है, क्यों कैसे उनका उठना बैठना जो भी है, उनको मैंने मेरा सारा प्रिपरेशन जो है मैंने यूट्यूब से उनके बारे में पढ़ के मैंने लिया है, उनका बॉडी लैंग्वेज ग्राफ्स किया है मैंने। तो एक बायोपिक को करने का मतलब आप उनकी जिंदगी जीते हो, जिनका बायोपिक आप कर रहे हो, जिनको पोर्ट्रे कर रहे हो,
तो वो बॉडी लैंग्वेज मैं काफी उनको हद तक मैं कॉपी कर पाया, उनका चलने का स्टाइल, उनका हाथ वेव करने का स्टाइल। तो वो कुर्ता पजामा वो पहनते ना, अपना अंदर में एक पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन जैसा फील आने लगता था यहाँ पे। तो कैमरे के सामने भी काफी अच्छा किया है उसको देखे, क्योंकि मुलायम सिंह इसमें से पॉलिटिशियन ही दिखाया है। इसमें मुलायम सिंह के बहुत सारे शेड्स हैं। मुलायम सिंह एक हस्बैंड है, उनकी वाइफ के संग भी केमिस्ट्री, उनकी माता पिता के संग अलग केमिस्ट्री, भाई बहन के संग अलग केमिस्ट्री, और एज ए पॉलिटिशियन अपने अपने जो जनता है उनके संग अलग केमिस्ट्री। तो काफी अलग 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 शेड्स देखने को मिलेंगे मुलायम सिंह की। शुभंदुदा, अगर मैं ये पूछूं कि आपने जब सोचा कि हाँ मुलायम सिंह जी पर एक फिल्म बनाएंगे हम, तो जो स्क्रिप्टिंग पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो स्क्रीन प्ले बना जिस तरह से, उस समय काफी मुश्किलात आपको पेश आई, क्योंकि इतनी सारी चीजें इस कैरेक्टर में है, अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो। नहीं, सबसे पहले जब ये सोच मेरे दिल में आया था, मैं मेरा दोस्त मीना सेठी मंडल का साथ बात किया, मतलब ये हमारा फिल्म का जो प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर है एमएस फिल्म्स एंड प्रोडक्शन, मैंने उनको बात किया, तो बहुत अच्छे मेरा दोस्त थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा अच्छा तुम ये कर रहे हो, ये कैसा होगा, क्या होगा, ही ऑलवेज बूस्टिंग, चलो अच्छा बहुत अच्छा है। तो संग संग हमने बात किया, हमारा जो स्क्रिप्ट राइटर है वो नाम है रशीद इकबाल सर, तो रशीद इकबाल वो भी मेरा हमारा अच्छा दोस्त बन गया, तो रशीद इकबाल को बोले, तो वो भी एक ही है, हम लोग अब तीनों एक साथ ही और एक ही सोच का आदमी है, तो बोला चलो मूव। देन हम लोग जिस दिन हम लोग ये बात सोचे, दो दिन के अंदर हम लोग लखनऊ चले गए और रिसर्च वर्क करने स्टार्ट कर दिए, वहां से किताब लेके आए पढ़े, और 20 दिन 25 दिन का बाद हम लोग एक लुक सेट रखे अमित के ऊपर, जे मुलायम को जैसे कैसे लगेगा, वो लुक सेट का बाद हम लोग क्या किया, अमित को देन रोहतक भेज दिए महर सिंह अखाड़ा में सीखने के लिए। अमित वहां पर ढाई महीना था, तब तक हम लोग स्क्रिप्ट कर लिए, हम लोग पूरा टीम लेके फिर लखनऊ गए, रिसर्च वर्क कंप्लीट किए, वहां पर हम लोग लोकेशन में बैठे बैठे रशीद जी वहां पर पॉइंट आउट करते रहे और रात में आके स्क्रिप्ट लिखते थे। उसका बाद दो महीना ढाई महीना का बाद फिर हम लोग ये शूटिंग स्टार्ट किए। तो दादा, अब एक बदलती हुई सिचुएशन में जब फिल्म जो है ऑडिटोरियम और मल्टीप्लेक्सेस की जगह अब आप ओटीटी पे रिलीज साल भर तक होने वाली है, आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्या आपके जहन में है? दादा, ये पिक्चर अगर सच कहूं तो एज ए डायरेक्टर ये पिक्चर बड़े पर्दे के लिए है, नो डाउट, अनडाउटेडली बड़ा कैनवास होगा, बहुत सारे आवाज आएंगे, मगर फिलहाल अभी जो हाल है, दुनिया का जो हाल है उसको देखते हुए तो, और इसका जो क्रेज है सब कुछ देखते हुए, और हमारा प्रोडक्शन कंपनी जो है वो नया प्रोडक्शन कंपनी है उनको भी देखते हुए, हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस पिक्चर को ओटीटी में प्लेटफॉर्म किया जाए, और जितना भी दूर दूर इंसान को ये पिक्चर दिखाने का जो है संभावना है, वो जो हमारा टारगेट है उसको हम फुलफिल करेंगे, और आप लोग तो हो हमारा हेल्प करने के लिए मीडिया, तो मुझे याद है जब मीडिया और आप लोग बहुत सारे हेल्प करोगे इस पिक्चर को और भी हाइप करने के लिए। दादा, चलते चलते अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? पेशेंस लूट मत करिए कोरोना के लिए, घर में बैठे बैठे हर कोई पेशेंस अप्स एंड डाउन हो रहा है, ज्यादा एंग्री हो जा रहा है, मैं कहूंगा मेडिटेशन करिए, पेशेंस मत करिए। हम लोग सब सफारा के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी घर में ही हैं और घर में ही रहते हुए हम लोग सब कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग करिए, मास्क पहनिए, सरकार का जो नियम है वो पालन करिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका परिवार के लिए और आपका आजू बाजू सब के लिए है, और हम लोग एक दिन जीतेंगे और फिर से हम लोग सब घर बाहर निकलेंगे और अच्छी अच्छी काम करेंगे और सबको दिखाएंगे भी। अमित, आप क्या कहते हैं? दर्शकों को अपने फिल्म के बारे में कहना चाहूंगा कि ये फिल्म जो है, ये मुलायम सिंह को आप लोग जानते हैं एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन इसमें मुलायम सिंह को पॉलिटिशियन नहीं, हम लोग उनकी जर्नी दिखा रहे हैं कि एक किसान का लड़का कैसे, गरीब घर का लड़का, एक पहलवान, एक टीचर, एक पति, एक बेटा, कैसे हैसल्स, कैसे स्ट्रगल करके एक सीएम बनता है फर्स्ट टाइम एक प्रदेश का। और इस मूवी को आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और हाँ सही बात है, आप लोग घर पे रहिए, बी सेफ, हम लोग एक दिन जरूर जीतेंगे इस कोरोना को, हम लोग भगा के रहेंगे इंडिया से यहाँ पे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी शुभकामनाएं देशवासियों के साथ है, हमारी आपके साथ है, हम जरूर इस कोरोना को हराएंगे और वापस आएंगे, के हमारी तरफ से ढेर सारी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।